Hello students, welcome to my class and today I start our science class and today we are going to start a new chapter. Chapter 12, Force, Energy and Work. Page number 111, 112, 113, and 114. Okay, so let's start, students. Force, energy, and work. So, what is force? Force is a push or pull, and force can move an object that is stationary or stop an object that is in motion. Okay, force matlab hota hai push karna ya fir pull karna. फोर्स से ही किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं. अगर अगर कोई चीज़ अगर मोशन में चल रही होती है तो उसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं बाय फोर्स. फोर्स में आल्सो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. इट में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो फोर्स से हम किसी गतिशील पदार्थ को हम स्टॉप भी कर सकते हैं और किसी मतलब जो थमे हुए हैं उसे गतिशील भी कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट का हम शेप भी चेंज कर सकते हैं बाय फोर्स. डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर. नेचर में फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर एग्जिस्ट टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ये टू टाइप्स के फोर्स है नेचर में. सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ऑल ऑब्जेक्ट्स विथ मास हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस फोर्स एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट पुलिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. सो एवरी ऑब्जेक्ट के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ को ऊपर अगर उछालें तो वो नीचे आकर गिर जाता है, क्योंकि अर्थ का एक ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे वो सब कुछ चीज़ को अपनी तरफ खींचता है. सो ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. वही जब मैं बोल रही थी कि एक ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एवरीडे लाइव्स. विदाउट अर्थ ग्रेविटी वी वुड फ्लाई राइट ऑफ इट. इफ यू किक अ बॉल इट वुड फ्लाई ऑफ फॉर एवर. ग्रेविटी होल्ड्स एवरीथिंग क्लोज टू दिस प्लैनेट. ट्रीज, वाटर, एनिमल्स, बिल्डिंग्स एंड द एयर we breathe are all held here by gravity. तो अगर ऐसा होता कि अगर ग्रेविटी नहीं होती, मतलब हम रोज़ ही ग्रेविटी को हम फील करते, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? तो फिर अगर हम एक बॉल को अगर हम किक करते तो वो उड़ता ही रहता, हम भी उड़ते ही रहते. सो सब कुछ चीज़ ग्रेविटी से, मतलब अर्थ ने ग्रेविटी से अपनी तरफ खींची हुई है. It is the gravitational force between sun and earth which keeps the earth in orbit around the sun. Gravitational force between earth and moon keeps the moon in orbit around the earth. So sun और earth के बीच में भी gravity है, इसीलिए sun earth को अपनी तरफ खींची हुई रखी है. और moon, earth और moon में भी एक gravitational force है जिससे मून अर्थ की चारों ओर घूरती है, जैसे कि सन ने खींची हुई है अर्थ को, और इसलिए अर्थ सूरज के चारों ओर घूमती रहती है. यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज फर्स्ट मैथमेटिकली डिस्क्राइब बाय द साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन. लेटर अल्बर्ट आइंस्टाइन मेड सम इम्प्रूवमेंट्स ऑन दिस थियोरी. तो किसने फर्स्ट ये बोला था मैथमेटिकली कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है? वो है सर आइजैक न्यूटन. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग
that are sliding or trying to slide across each other. Friction always slows a moving object down. Rougher the surface, greater is the friction. Smoother the surface, lesser is the friction. So friction क्या होता है? जो मतलब rough surface होता है उससे ज़्यादा friction होता है, जो smooth surface होता है उससे कम friction होता है. घिसना, friction मतलब घिसना. Friction can be a useful force because it prevents our shoes from slipping on the pavement. अगर एकदम smooth होता है सब कुछ तो क्या होता है, एकदम slippery हो जाता है ना. अगर कुछ friction अगर ज़्यादा होगा तो हम जैसे कि अगर friction से ही हम चल पाते हैं shoes पहन के. So when we walk and stops the tires of a car from skidding on the road. So friction होता है इसीलिए ज़्यादातर skid नहीं हो जाता है car की पहिए का. Sometimes we want to reduce friction. For example, we use oil to reduce the friction between the moving parts inside a car engine. The oil holds the surfaces apart and can flow between them. The reduced friction means there is less wear on the car's moving parts and less heat produced. So कुछ टाइम ऐसा होता है कि अगर हम रिड्यूस कम कर दें तो अच्छा होता है. जैसे कि इंजन में कुछ सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें हम ऑयल लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो इसलिए हम उसको लगाते हैं. क्योंकि अगर उसमें अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो पार्ट्स जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए उसको हम ऑयल लगा कर फ्रिक्शन कम करने की मतलब कोशिश करते हैं. Energy. So energy is defined as the ability to do work. We can think of energy as anything that can carry out an action or maintain a process. Without energy, everything comes to a halt. The different types of energy are solar energy. It is the energy of the sun. Sun is the greatest source of energy on earth. Plants use the sun's energy to produce food. Today we have discovered many uses of solar energy. For example, food can be cooked in solar cookers. Solar energy is often used to heat water. Solar batteries are used to light up calculators, watches and bulbs. So energy जो होता है वो मतलब काम करने की क्षमता जो होती है उसको energy बोला जाता है. Without energy हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सो एनर्जी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी, जो सन से मिलता है एनर्जी उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं. तो सोलर एनर्जी से सोलर कुकर से हम खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं. सोलर बैटरी यूज़ होता है कैलकुलेटर में, वॉचेस में, बल्ब्स में. विंड एनर्जी, यूजिंग द विंड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. When the wind turns the blades of a windmill, it spins a turbine inside a small generator to produce electricity. In order to make electricity from wind energy companies, we use large windmills called wind turbines. In order to create a lot of energy capable of powering thousands of homes, energy companies build large wind farms with lots of wind turbines. They usually build these in windy places. So ये कहाँ पर होता है? ज़्यादातर windmills ज़्यादातर होता है windy area में, जहाँ पर हर time wind बहता होता है वहाँ पर windmills होता है. क्योंकि उसी windmill से वो power generate करते हैं, electricity generate करते हैं, और उससे ही वहाँ के पास के इलाके में इलेक्ट्रिसिटी होता है. सो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है विंड मिल्स से. जो विंड टर्बाइन्स आप लोग देख रहे हैं, विंड टर्बाइन्स वो घूमता रहता है और उससे एनर्जी क्रिएट होता है और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है. ओके,
सो यहाँ तक आप लोग पढ़ो, नेक्स्ट डे हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.